कौड़ियों के भाव संस्थाओं को जमीन देने वाले प्रदेश के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों के मामले में लापरवाही भरा रवैया उनका देखा जा रहा है और यही कारण है कि सरकार की ओर से ऐसे मामलों की करीब महीने भर पहले मांगी गई जानकारी अब तक कई निकायों ने उपलब्ध नहीं करवाई है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने 1 जून को प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों को निर्देश दिए थे कि अब तक रियायती दर पर भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों की जानकारी भिजवाई जाए, जिसके बाद करीब एक महीना बीतने के बावजूद अब तक निकायों ने ये जानकारी सरकार को नहीं भेजी है, जिसके चलते मंत्री शांति धारीवाल ने सभी को दोबारा हिदायत देते हुए जल्द से जल्द ऐसे मामलों की जानकारी मांगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों निकायों ने आवंटन के प्रकरणों की तथ्यात्मक जानकारी अब तक सरकार को नहीं दी। इसके पीछे बड़ा कारण निकायों और संबंधित विभागों की खुद की लापरवाही है। वहीं राज्य सरकार की आवंटन नीति के मुताबिक इन मामलों में जमीन देने वाले निकायों को आवंटन की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने थे, लेकिन अधिकतर निकायों ने इस मामले में रत्ती भर भी कार्यवाही नहीं की। चलिए आपको बताते हैं कि राज्य सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 2015 को लागू आवंटन नीति के तहत निकायों को क्या जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल रियायती आवंटन के मामले में निकायों की जिम्मेदारी बनती है कि सभी आवंटनों के प्रकरणों की सूचना संबंधित निकाय निर्धारित प्रारूप में इकट्ठा करेगा और जब भी सरकार मांगेगी उसे उपलब्ध कराएगा। आवंटन की शर्तों के मुताबिक भूमि पर बने अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है या नहीं, और स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है या नहीं, आवंटन की ऐसी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निकाय जोनवार कमेटी गठित करेगा। सभी प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं को इस तरह की कमेटी गठित करनी होगी। वहीं ये समितियां हर 3 महीने में आवंटन के हर प्रकरण में भूमि का भौतिक रूप से निरीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट निकाय के आला अधिकारी को सौंपी जाएगी। दरअसल इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया जाएगा कि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं हो रही तो निकाय सरकार से मंजूरी लेकर भूमि का पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई 3 महीने में पूरी करेगा। राज्य सरकार की आवंटन नीति के तहत आवंटित भूमि के उपयोग और आवंटन की शर्तों की पालना को लेकर तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अधिकतर निकायों ने इन प्रावधानों की पालना नहीं की है। चलिए आपको बताते हैं कि आवंटन नीति के तहत क्या जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दी गई है और इस आधार पर अब राज्य सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। दरअसल आवंटन का विवरण, निर्माण की समयावधि और आवंटन की शर्तों का ब्यौरा निकाय संबंधित विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग को आवंटन के 15 दिन में भेजेगा। साथ ही निकायों से आवंटन के प्रकरणों का ब्यौरा मिलने के बाद संबंधित विभाग हर साल भूमि के उपयोग और आवंटन की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन करेगा। आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग संबंधित निकाय को इस बारे में सूचना देगा। निकायों से आवंटन के प्रकरणों की मांगी गई जानकारी मिलने के बाद मंत्री शांति धारीवाल इन प्रकरणों को संबंधित विभाग को भेजेंगे। आवंटन नीति के तहत मिली जिम्मेदारी के मुताबिक संबंधित विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग प्रकरण की जांच करेंगे। संबंधित विभाग की ओर से भूमि का मौका मुआयना किया जाएगा, साथ ही भूमि पर बनी संस्था के कामकाज का आकलन भी किया जाएगा और विभाग की ओर से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर मंत्री शांति धारीवाल मामले में कार्रवाई के लिए निकायों को निर्देश देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कई निकायों ने आवंटन नीति के तहत उनको दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है। ऐसे में अगर जिम्मेदारी पूरी की होती तो सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी निकायों की ओर से तुरंत दे दी जाती, तो वहीं अगर ये निकाय आवंटन नीति के तहत प्रावधानों की पालना करते तो कौड़ियों के भाव दी गई बेशकीमती जमीन का सही उपयोग सभी मामलों में सुनिश्चित किया जा सकता था। ऐसा होता तो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और शोषित वर्ग को इसका बेहतर लाभ जरूर मिलता। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।